तो हेलो भाई, कैसे हैं आप? बहुत सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने चैनल आप हमारे कुछ में। ये हमारे इंस्टाग्राम है, जो हमारे बेसमेंट हैं, जो साथ में खड़े हुए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोगों को इस बार सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोगों ने मीटअप रखा है, कार में हम लोग मिले हैं। तो आज हम लोग बताएंगे आफ्टर कंप्लीटेड यू बी फार्म आप क्या कर सकते हैं। जैसे काफी स्कोप रहते हैं, कोई एकेडमी में जाना चाहता है, काम करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री में जाना चाहता है, और कोई मार्केटिंग करना चाहता है। तो भाई भी बताएगा क्या बेस्ट है, क्या नहीं बेस्ट है अपने हिसाब से। अब 12 के बाद बीकॉम और डीकॉम दोनों कोर्स कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर आप बीकॉम करते हैं तो बीकॉम में आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मिलता है, और बीकॉम करने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है, प्लस उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आप मेडिकल स्टोर भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्री भी जा सकते हैं, और अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर लाइसेंस दिया जाता है। तो हम आपको बताएंगे डिप्लोमा करना होता है कि डिप्लोमा के बाद आपको ग्रेजुएशन में गिनती नहीं दी जाती है आपकी, उसके लिए आपको अलग से ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ता है। तो हम अब आपको बताएंगे कि दोनों कोर्स जो है डिप्लोमा और डिप्लोमा करने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं और स्कोप क्या है। तो हम बताते हैं आपको आफ्टर बी फॉर्म आप देख लीजिए स्कोप। अगर आप बी फॉर्म करते हैं तो बी फॉर्म करने के बाद में आप मार्केटिंग फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जनरली होता है क्या, डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। तो आप अगर बी फॉर्म किए हैं तो आप मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। इंडस्ट्री में काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आरएनडी डिपार्टमेंट हो गया, जीवी डिपार्टमेंट हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी होगा, प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं। उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बी फॉर्म की बात है जो होते हैं वो काफी स्कोप हो जाते हैं। उसके बाद आप इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते हैं, एक किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, उसके बाद मेहनत अगर करके डी आई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि वैकेंसियाँ उसमें कम होते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे बाकी के डिप्लोमा की जो स्कोप है वो हमारे जो मित्र हैं, हमारे खासतौर पटेल जी, वो आपको समझाएंगे। तो देखिए हम आपको बताएंगे कि फार्मा के स्कोप क्या है। एक तो आपका भी फार्मा के साथ साथ अगर आप बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, जिसका ग्रेजुएट फार्मेसी प्री टेस्ट, इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है अप्रोक्स 12,000-13,000 पर बंदा आपको मिलती है 2 ईयर तक, ठीक है। और पीजी आपका कम्प्लीट हो जाएगा तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 2 ईयर, ठीक है। और और मार्केटिंग का तो भाई ऑनलाइन बता चुका है, तो भाई मैं अब करूंगा बीवी का खाते को भी। ये क्या होता है, जैसे आपने अगर आप जानते हो कि मैं अपना बीवी में करियर बना लूँ, खाते को बिजनेस में करियर बना लूँ, तो इसमें क्या होता है जो भी मेरी न्यू लॉन्च होती है उनका ट्रायल होता है, और ये हमारा बीवी के अंदर लगाता है, और ये व्यक्ति भाई ऑनलाइन बता चुका है। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं MBA करूँ, खाता MBA, तो ये बेस्ट है नहीं है, तो मैं बता दूं देखो ये MBA भी बेस्ट है। अगर आप चाहे अगर बैचलर आप फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद अगर आप नॉर्मल MBA कर रहे हैं तो वो चीज आपके लिए सही नहीं है। आप इसको करने के बाद आप फार्मा MBA शुरू कर, अगर आपने फार्मा MBA शुरू किया ना तो आप क्या करोगे, जितनी भी मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जैसे कोई भी मेडिसिन को तो मार्केट करती है इंडस्ट्रियाँ, तो उसमें आपको ऊंची मतलब हाइएस्ट पोस्ट पे आप उसमें चयनित हो सकते हो। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और नाइपर के टेस्ट देने के बाद आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और नाइपर एग्जाम के बाद आपका जैसे ही पीजी कंप्लीट होता है आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए और किसी भी फील्ड में जाने के लिए। तो यार थैंक यू भाई, यार मीटअप का भाई लेकर अच्छा लगा, देखो हम लोग कब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये था बीकॉम के बारे में जो स्कोप था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।